देखते हैं। लेट करती हो, कभी तो एक काम समय पर कर लिया करो। चलो पापा आ रही हूँ। चलो चलो।
अरे वो देखो शर्मा जी का बेटा। अंकल नमस्ते। अरे बेटा कैसे हो? मस्त चल रहा है अंकल। अरे बेटा इसे संभाल, ये बहुत टेंशन कर रही है। आई को टेंशन ले दे रहे कुछ, टिकटॉक पे मत ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा एक ही चुटकी में नीट खलास कर दिया था मैंने। अरे बेटा तेरे पैर में क्या हो गया? अरे अंकल आपका भी दम दिमाग, डॉक्टर बनने जा रहा हूँ मैं खुद ही तोड़ता हूँ, खुद ही तोड़ता हूँ। अरे मास्टर जी नमस्ते। अरे मास्टर जी मैं अपनी बेटी को आज लेकर ट्यूशन आ गया, इसके मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मार्क्स ज्यादा कैसे आएंगे, इसके दिमाग में तो भूखा भरा है। जब देखो टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी कसर नहीं है। मैं बता रहा हूँ मिश्रा जी, आपकी लड़की आपको चकमा दे रही है। क्या बोल रहे हो मास्टर जी? खुशी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? रहने दे मिश्रा जी, चलो उसी क्लास में बैठ जाओ, पढ़ाई पर ध्यान लगा। अरे खुशी की मम्मी कहाँ गई, सुनती हो? सुनने इतना चिल्ला क्यों रहे हो, सुनाई दे रहा है? अरे तुम्हें पता है आज मैं खुशी के ट्यूशन टीचर से मिला था, वो कह रहे थे हमारी बेटी के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। आप भी क्या क्या सुनते हो, वो पढ़ रही है, वो अपने रूम में पढ़ती है, मैं देखती हूँ ना। आप कहाँ देखते हो, आप तो हर दिन ऑफिस में रह जाते हो। अरे तो उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे, उसको थोड़ा पेशेंस दीजिए, टाइम दीजिए, हो जाएगा उसका। ऐसे में कैसे मेडिकल निकालेगी, तुमने बिगाड़ दिया हमारी बच्ची को। हम ही बिगाड़ देते हैं, आप कुछ ध्यान दीजिए ना, हमें भी अपना काम करना पड़ता है, सुबह सबको रेडी करना पड़ता है, आप भी देख लो हमें भी अपना ऑफिस का वर्क होता है ना। तो तुम छोड़ दो ना अपना काम। हम क्यों अपना वर्क छोड़ते, आप छोड़ दीजिए ना, हमेशा मम्मी पे ही ब्लेम जाता है क्यों। आप देख लीजिए अपनी बेटी को। खुशी तुम आ गई, देख तेरी वजह से मेरी और तेरी मम्मी की लड़ाई हो रही है। बेटा तू कब ध्यान देगी, तेरे को डॉक्टर बनना है या नहीं, अपना जीवन बर्बाद करना चाहती है, ध्यान लगाया कर बेटा, जा जाकर पढ़ाई पर। जी डॉक्टर साहब बोलिए।
नहीं वो तो सही है, खेलती है, नाच करती है। वो स्ट्रेस में है क्या? हाँ थोड़ी देर से मुझे बोलने की कोशिश कर रही थी, एक्चुअली मैं ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कुछ हुआ है? आप कुछ सजेस्ट करेंगे? यस सर, सी इज फिजिकली फिट बट उसे मेंटल मेंटल क्या की जरूरत है? सीनियर्स एक काउंसलर। अरे डॉक्टर साहब आप क्या बोल रही हैं, हमारी बेटी पागल है क्या? ऐसे नहीं होता है, आप सुन लीजिए, हम जरूर चाहिए फिट है, उसको मेंटल केयर की जरूरत है, प्लीज आप कंसल्ट कीजिए काउंसलर। जरूर जाएंगे। ठीक है। May I come in, ma'am? Oh, Mr. Mishra, please come in. Hello, Mr. Mishra. Ma'am, हमारी बेटी को क्या हो गया? देखिए ये काफी परेशान है। Mr. Mishra, calm down. आप पहले शांत हो जाइए। मैं उसके साथ बात करती हूँ। I need some time. Please, please wait a minute. Yeah, yeah, absolutely. तुम बैठ जाओ। कुछ परेशानी नहीं है। Hi, Khushi. Khushi. बेटा आपको कुछ परेशानी है? बेटा कोई प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम? मैं हूँ प्रॉब्लम, मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई नहीं सुनता मेरी। नहीं बेटा आप प्रॉब्लम नहीं हो, आप तो बहुत स्पेशल हो। आप कभी बचपन में गार्डन गए थे? वहाँ पे कितने सारे फूल होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होती है, प्रेगनेंसीज अलग होते हैं। उसी तरह आप बहुत स्पेशल हो, आपकी इंडिविजुअलिटी है। आपको क्या करना है मुझे? डांस करना है। आपको डांस करना है, आप डांस करो। आपको मजिशियन बनना है, आप मजिशियन बनो। आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आप एस्ट्रोनॉट बनो। आपको जो दिल कर रहा है ना आप वो बनो। तो मम्मी पापा कुछ नहीं समझते, जब देखो तो मुझे कंपेयर करते रहते, कभी शर्मा जी के बेटे के साथ, कभी भैया के साथ। वो क्यों नहीं समझते मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी भी कोई पहचान है। मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगी इसके बारे में। पहले आप ये समझ लो कि दुनिया में ना दूसरी खुशी कोई हो ही नहीं सकती जैसे आप। मैं आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ, अब अपने पेरेंट्स को क्या कर दीजिए। आप लोग ये देख रहे हैं राइट, क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? कंपेयर। हमें भूल जाते हैं कि प्रेशर में वो सिकुड़ जाते हैं, वो परिंदे हैं जिनको पूरी उड़ान के लिए आसमान चाहिए, हमको वो आसमान हमको देना है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं। क्यों? ये कंपटीशन है ना, भागो 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 भागो, फर्स्ट नहीं आए तो खत्म। क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? हम दूसरों से आगे बढ़ने के चलते खुद को पीछे छोड़ देते हैं, ये कहां का इंसाफ है? बच्चे हैं, पौधे को भी केयर की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। छोटी सी बच्ची है, एक बार प्यार से उन्हें बोल दो बेटा हम हैं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, सर पे एक बार हाथ फेर लो, उनके साथ खेल लो, थोड़ी सी मस्ती कर लो, कोई बात नहीं बेटा थोड़े नंबर कमा गए ना तो फिर से कर लेंगे, साथ में मिलके करो। उनकी बचपन को उनको जीने दो, एक बार खत्म हो गया वापस नहीं आएगा। बच्चों को ये जानना जरूरी है कि ये जिंदगी बहुत प्यारी है, उनको इस जिंदगी को प्यार करना जरूरी है, एंजॉय करना जरूरी है और बोलना जरूरी है लव यू जिंदगी।